मल्टीक्राफ्ट जो कि एक मल्टीप्लेयर गेम है। और गाइस इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी। इसमें बहुत सारे सर्वर होते हैं है ना ऑनलाइन, तो हम मैं भी एक सर्वर में ही खेल रहा हूँ अभी। हम अपना सर्वर भी बना सकते हैं, ऐसा ना सोचना कि हम अपना नहीं बना सकते, बना सकते हैं। और देखो मैंने एक सर्वर में अपना घर बनाया है, ये देख लो भाई, भाई देख लो यार, दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई, ये मेरा ही घर है। तो ये देखो मैं आपको बारी बारी करके एक एक रूम दिखाता हूँ है ना, फिर मैं बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले मैंने तो एक ही कुआं बनाया है। वेल अरे यहाँ का जो साइन बोर्ड था वो चला गया, ये क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने घर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाई है, बताएं कैसे। अगर आपको मेरे घर के अंदर आना है तो डोरबेल तो बजानी पड़ती है, ये देखो अभी डोरबेल सुनना। गाइस डोरबेल देखो मैंने यहाँ लिखा है डोरबेल, फर्स्ट क्लिक डोरबेल एंड आस्क परमिशन देन कम इन आर, इन आर पता नहीं। आओ चलो 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 चलो, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या देखना क्या है ऐसे हमको। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, हम ऊपर जा सकते हैं, पर मुझे यहाँ से जाना नहीं है। गार्डन, यस देखो गाइस ये मेरा गार्डन है, वो मैंने इसमें ऑरेंज ट्री भी लगाया है ना। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में। ये देखो एक फ्लोर ये है, इस फ्लोर का नाम हमने कुछ नहीं रखा अभी। अरे मैं नीचे क्यों गिर गया भाई। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये देखो मेरा लिविंग रूम टाइप का ये एरिया है, बेडरूम लिविंग रूम सब है, टीवी भी है हमारे पास। देखो ये देखो टीवी भाई हमारी, कैसा लगा भाई, अच्छा है तो लाइक करो वीडियो को है ना। अब देखो ये भी एक रूम है हमारे पास, इसका नाम आई थिंक हमने रखा है कि नहीं रखा है, रखा है। ये देखो गाइस इसका नाम है आवर रूम, डोंट कम है। वाह भाई नाम भी रखा तो कैसा है, ये सीक्रेट रूम टाइप का, मतलब कि इसमें हम लोग सिर्फ घर ही के लोग आ सकते हैं, मतलब कि इसमें मतलब कि मैं बहुत बोल रहा हूँ मतलब कि भाई। अरे अंदर कैसे जाना है भाई, मैं फिट नहीं हो रहा दरवाजे में, मेरे लिए बड़ा दरवाज़ा लगवाना पड़ेगा। चलो 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 ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं, और ये देखो यहाँ पे सीक्रेट रूम डोंट टेल, ए बेडरूम, ये देखो बेड, ये आर्मर है हमारे पास, गोल्ड का ब्लॉक है, यहाँ पे दो आर्मर है हमारे पास। ये क्या है भाई, ये क्या है गाइस। ये देखो हमारा स्टूडियो रूम, इसमें भी हमने यूट्यूब का स्टूडियो बनाया है। स्टूडियो रूम लाइट्स कैमरा एक्शन, हेलो हेलो फोटो खींच दो भाई मेरी। ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे देखो ये हमारा अंदर स्टूडियो रूम है। इसके अंदर हम, ये मैंने इसको कंप्यूटर बना दिया, कुछ भी लिटरली गाइस कुछ भी, इसको कंप्यूटर बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें ऐसी एडिटिंग वेडिटिंग के लिए और भी चीज़ों के लिए बनाया है रूम को। अब मेन चीज़ ये हमने ट्रैप करने के लिए बनाया है। देखो अगर कोई बंदा आएगा तो यहाँ पे गोल्ड है ना, गोल्ड ब्लॉक है, वो माइन करने चलेगा। जैसे ही वो माइन करेगा भाई गया, हम उसको बंद कर देंगे ऊपर से, भाई फंस जाएगा बेचारा। चलो भाई इसको बंद कर देते हैं, अब चलते हैं बाहर, बाहर और चीज़ें देखते हैं। भाई यार मुझे इतने सारे फ्लोर बनाने में बहुत दिन का टाइम लगाया गाइस, लिटरली मैंने रोज़ फ्लोर बनाए हैं, रोज़ हर एक नया फ्लोर। ओ भाई ये देखो हम आ गए इस रूम में। अरे भाई साहब स्लाइम लगाई है मैंने, ये भाई ये सब क्या है, ओ ये मैंने ही बनाया, सॉरी सॉरी मैं खुद ही भूल रहा हूँ ये सब क्या है भाई, मैं खुद ही बना के भूल जाता हूँ। ये गाइस हमारा सेफ्टी रूम है, हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, जो आइटम फ्रेम लगा है ना वो कुछ भी ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पे TNT लगा के रखा है हमने, ऐसे ब्लास्ट ना करना गाइस। अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर में जिसमें और भी मज़ा आने वाला है। ऊपर वाला फ्लोर है कौन, किचन है भाई हमारा किचन, तो किचन में चलते देखते हैं। देखो मैंने ये खुद बनाया, झूठ नहीं बोला, सही में मैंने अकेले बनाया,
मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी मेरे साथ मिलके बनाया ये। ये देखो गाइस हमारी चिमनी, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो चिमनी, चिमनी लगाई हमने। और ये देखो ये स्टोव वोव है, ये माइक्रोवेव है, ये सिंक है बर्तन धोने के, चेस्ट, हमने फ्रिज हम तो बनाएंगे नहीं, तो हमने चेस्ट में सारा सामान डाल दिया है, देख रहे हो गाइस। आई एम सो आई एम द प्रो ऑफ मल्टीक्राफ्ट, यू नो। तो गाइस अभी इसको बंद करते हैं। और ये देखो मैंने एकदम फुल रेस्टोरेंट बना के रखा, साइड में एकदम बहुत अच्छा वाला व्यू आ रहा है ना, बहुत अच्छा आ रहा होगा, एकदम आसमान दिख रहा होगा, आसमान को छू कर देखा था। रुक के अब गाइस ऊपर वाले रूम में चलते हैं। ये गाइस है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम है भाई, ये देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे मैंने ये लगाया है, ये देखो ये बाथटब टाइप का कुछ है, तो मैंने ही बनाया पर मुझे पता नहीं है क्या वैसे, तो यहाँ पे वैसे देखने लायक कुछ है नहीं, वैसे भी बोर ही हो गए। अब ऊपर वाले उसमें चलते हैं। ये देखो हमने बनाया है, ये अपना हमारा लिविंग रूम है, वो लिविंग रूम प्लस बेडरूम था, ये हमारा प्रॉपर लिविंग रूम है ना। तो चलो 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 चलो, अरे 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 मैं घुस क्यों नहीं पा रहा, चल भाई। हाँ तो ये देखो हमारे पास ये लिविंग रूम है, गेट बंद कर दो भाई। ये देखो भाई कैसा लग रहा है आपको भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना सारी चीज़ें कैसी लगी, मतलब सारे रूम्स, पूरा घर ही कैसा लगा। तो चलो अब इसको बंद करें, अब हम जाएंगे ऊपर। ये हमारा प्लेग्राउंड घर में खेलने के लिए, मतलब कि ऐसे ही, पर अभी इसके अंदर हमने ज़्यादा बनाया नहीं कोई झूला वूला, मतलब कि है ना, क्योंकि अभी हम लोग इस पर काम कर रहे थे, इसमें बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो अभी ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा इस वीडियो के। अब भाई ये देखो हमारा है ये जेल, इसमें हम उन लोगों को लाते जो हमें यहाँ पे परेशान करते इस वर्ल्ड में, और मुझे इस वर्ल्ड में कुछ बंदे परेशान करते, मुझे दोस्त को, हम लोगों को एक बार जेल में ट्रैप कर लिया गया था, इसलिए मैंने जेल बनाई उन लोगों के लिए। ये देखो गाइस है ना, इस जेल में जो बंद हो जाएगा ना एक बार, वो भाई भाई बाहर नहीं आ पाएगा, ऊपर से भी नहीं निकल पाएगा कहीं से भी, पूरी लॉक है जेल। बेड दे दिया बेचारे को, टॉयलेट दे, बेसिन लगा दिया बस, हम उस बाहर से उसको हाल देखेंगे, यहाँ से उसको चिढ़ाएंगे। ओ भाई अब ये है हमारा लास्ट फ्लोर, इसके बाद हम और फ्लोर्स बनाएंगे, पर लेकिन अभी तक हमने यहीं तक बनाया। ये हमारा स्विमिंग पूल, और गाइस इसमें पानी हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस, तो मैंने यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया है। और गाइस तो भाई 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो होम टूर में निकल गई यार, इतना बड़ा घर है ना। तो घर कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर, है ना। अब आप यहाँ से देख लो पूरा घर भाई, बुर्ज खलीफा से भी बड़ा है। अब यहाँ से देखो आप, देख रहे हैं गाइज। तो गाइज घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज अभी हमारी क्या फाइट चल रही थी माइनक्राफ्ट, मतलब कि क्या क्या हुआ था जो मुझे ट्रैप किया गया था, मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या हुआ था आखिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, मज़ेदार आएगी मल्टीक्राफ्ट की।